Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell icon so that the next time the episode comes up, you get a notification. We are very different, and mm -hmm. we're both men. But his idea of being a man is this. तू मर्द है, मर्द बन के रहे यार. ये लाइनें मैंने सुनी हैं कि क्या लड़कियों की तरह होते हैं? So what?

हेलो एवरीवन दिस इज अंकुश भहोगना जी हाँ इस पॉडकास्ट का होस्ट अभी तक नहीं बदला और नहीं बदलेगा दिस इज अंकुश बहोगना युफ इन टू द जेंटलमैन शो बाय द मैन कंपनी एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए हर एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम सोचते तो बहुत हैं बट ऑबियसली ओपनली बात नहीं करते देखो बालों की तो हमने बहुत बात कर ली अब चलते हैं थोड़ा नीचे नहीं 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 तुम थोड़ा ज़्यादा नीचे चले गए मैं बात कर रहा था बियर्ड्स की क्योंकि क्या है ना कि लड़के इतनी अटैचमेंट अपने रिलेशनशिप्स में नहीं दिखाते जितनी अपनी दाढ़ी के साथ दिखाते हैं एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई और ये मैं एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ बट <laughs> uh, आज हमारे गेस्ट हैं जो काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे ये इतने सारी चीज़ें करते हैं इतनी सारी चीज़ें करते हैं दैट आई ऑलमोस्ट डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस हिम मैनी मोर दिस इज लोकेंद्र रनावत जो कि एक ऑन्ट्रप्रनर हैं uh, एक डिजिटल क्रिएटर हैं बहुत कुछ करते हैं तो इन्हीं से सुनते हैं हाय लोकेंद्र हाय अंकुश फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टीम मैन कंपनी एंड टू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो एंड स्टार्ट हाँ hmm. तो आप, आप बताइए हमें लोकेंद्र लाइक हाउ अबाउट यू टेलर्स कि आप क्या करते हैं ताकि जो लिसनर्स अभी सुन रहे हैं उनको थोड़ा डिटेल में पता चले कि यू नो ऑल दैट यू डू ओके सो अभी फ़िलहाल मैं अपना एक ब्रांड रन करता हूँ रोल स्टैच नाम से जिसमें uh, हमारे पास असेसरीज है मैंस के लिए मर्चेंडाइज है वॉलेट बेल्ट बूट्स एंड और भी अपैरल अभी लॉन्च होने वाले हैं so, ro like uh, right. so, उनमें wow. थोड़ा कल्चरल थीम uh, है हमारे प्रोडक्ट्स का थोड़ा हेरिटेज फील है थोड़ा विंटेज uh, फील है तो uh -huh. एक नेम uh, हमने uh, रखा है रॉयल स्टार्च uh -huh. तो वो एक मेरा बिजनेस हो गया एंड अ पार्ट ऑफ दिस आई वर्क विद ब्रांड्स एज अ

बी से ही मेरा ये डिजिटल करियर जो है ये स्टार्ट हुआ था तो अभी ऐसा हो गया कि ब्रांड्स इनफैक्ट या जो भी शूट जिन डिज़ाइनर्स के साथ में शूट करता हूँ या हाँ। वो इनफैक्ट ये पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सर आपने बी अभी भी रखी हुई है ना हाँ। अगर होती है तो मैं इन होता हूँ अदरवाइज मैं आउट हो जाता हूँ ऐसा अच्छा। तो पर्सनली मुझे भी बी रखी हुई अभी हैबिचुअल हो चुका हूँ प्लस ये मेरी आइडेंटिटी ही बन चुकी है तो मैं पर्सनली तो नहीं हटाना चाहता बट मेरे से ज़्यादा ब्रांड वो हैं कि बियर्ड वाला अगर हमें चाहिए तो इनसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते नहीं हटाई होगी अगर नहीं हटाई होगी तो हमने इनको कैंपेन में रखना है अदरवाइज़ हम किसी दूसरे को लेंगे तो एक वो भी पॉइंट हो गया मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सिर्फ सुन रहे हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे उनको मैं एक थोड़ी विजुअल इमेजरी दे दूँ कि लोकेंद्र रनावत इज़ सो वेल ग्रूम्ड कि ये कमरे में बाद में आते हैं इनकी दाढ़ी पहले आती है सो इट्स सच अट्स सच अ सिग्नेचर क्लासिक बिग बियर्ड

अब और फिर जॉब में आने के बाद शेव करनी पड़ी या पहले इससे पहले कभी बी थी नहीं नहीं पहले ऐसा था कि मुझे बी वग़ैरह ये कभी ऐसा ज़्यादा इतना मैं वो नहीं था कि मुझे जल्दी बी रखनी है या ऐसा हाँ। कुछ तो जब ये जॉब मेरी पार्ट मेरे मेरी उसमें आया लाइफ में मतलब दो से तीन साल मैंने काम किया उसके बाद आ, मैं उसी आ, टेलीकॉम सेक्टर में रहा बट मैंने अपना खुद का एक फ्रेंचाइजी ले लिया था तो तब मुझे मैंने फ्रेंचाइजी इनफैक्ट इसलिए लिया था कि ताकि मुझे शेविंग ना करनी पड़े डेली <laughs> तो मैंने सोचा थो थोड़ा पैसा लगाते फ्रेंचाइजी ले लेते ताकि खुद ही बॉस बन जाएंगे तो ये हाँ। सिर्फ ये डेली का वो ख़त्म हो जाएगा तो आ, मैंने बी पहले मेरी नॉर्मल आती थी ये मैं बात कर रहा हूँ टू थाउजेंड नाइन टेन की है ना उस टाइम जो एज होती है उसमें एज के अकॉर्डिंग जितना आपका फेशियल हेयर ग्रोथ होती है नॉर्मल आती थी उसको मैं ट्रिम करता था है ना जॉब जब स्टार्ट हुई तो

वेट करना पड़ता है कि वो थोड़ी और कुक जाए फिर आप उसको ऐसे ट्रिम करो करे, करे, ताकि करे, करे, अभी बड़ी इवन लग रही है अभी बड़ी लग रही है, है नहीं। अच्छा। मतलब ये जो बियड की इंट्रीज होती है ना ये कोई समझता नहीं है जिनके पास बियड नहीं हो नहीं समझते राइट तो मतलब सो यू आर आई मीन आई कम्पलीटली गेट की आप अपनी बियर्ड से बट मुझे ये बताओ कि आपका बड़े होते टाइम या अभी भी ऐसा कोई पॉप कल्चर का आइकन था कि मतलब कि मतलब जैसे अनिल कपूर को देख के मन किया हैं खिलजी अभी जैसे खिलजी वाला ट्रेंड आया था पूरा रणवीर सिंह को देख के ये हैंडल बार मस्टैश रखनी है ये आप तो पहले से ही रख रहे हो हम कैसे करेक्ट करेक्ट हाँ राजस्थान में तो बहुत सारे लोग ऐसे पहले से ही रखते हैं राइट तो बेसिकली मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड हमारे राजस्थान में ये मतलब फैशन नहीं है ये हमारा का पार्ट है ना हमारा कल्चर है एंड राजपूतों में तो नॉर्मल जो टीन uh, एज से जैसे ही बंदा आगे वाली एज में आता है हाँ. अपने ट्वेंटी ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फाइव uh, की जो एज होती है हाँ. उस टाइम एक नॉर्मल मूछे या दाढ़ी फेशियल और हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है right. तो वो बंदा वो रखता ही रखता है मूछे दाढ़ी इतनी नहीं रखता है तो कॉमन uh, तो है कि मतलब मोस्ट लड़के रखते हैं हाँ मतलब मोस्टली आप देखेंगे कि वो रखेंगे अगर वो किसी पर्टिकुलर ऐसी जॉब में है या फिर बंदे का मूड ही नहीं है रखने का तो वो नहीं, नहीं रखेगा मतलब उनका चॉइस है पर ऐसा भी होता है ना मेनली हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसा नहीं कि मैंडेट रखना ही रखना है जैसे हाँ। जो हमारे सिख ब्रदर्स होते हैं उनका होता है कि उनको एक केश एंड दाढ़ी वो रखते हैं तो वैसा मैंडेट नहीं है बट नॉर्मली लोग बाग रखते हैं हमारे राजस्थान में अब आपने पूछा है कि रोल मॉडल अगर हाँ कोई जैसे ऐसा होता है ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड चला था बालों की बात करो तेरे नाम में सलमान खान का हेयर स्टाइल देख कर सब लड़कों का मन किया वो मिडिल पार्टिंग सब ने एक ना एक बार तो किया ही होगा मतलब मैंने तो किया ही था मैंने भी किया था एग्जैक्टली <laughs> <थी, exactly. laughs> तो ऐसे मतलब यार हम लोग इन्फ्लुंस तो पॉप कल्चर से सबसे ज्यादा होते हैं ना कि मतलब मैंने आपने जैसे बोला कि आपने दाढ़ी मूझ शुरू से ही रखी थी बट ऐसा कोई कभी किसी को स्टाइल ट्राई किया हो क्रेजी से विराट कोहली को देख के यार मुझे ऐसा कुछ करना है ऐसा कोई आइकन था तो बेसिकली आइकन uh, नहीं मैं मेरे जो लाइफ में सबसे बड़े इंस्पिरेशन है वो है महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज तो अगर आप मेरा लुक को प्रॉपरली अगर देखेंगे तो आपको एक इंप्रेशन मिलेगा शिवाजी महाराज की जो बियर्ड होती है प्लस महाराणा प्रताप की जो मूछी होती है तो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है वो एंड तो मैं चाहता हूँ कि एक उनका एक थोड़ा मतलब हिंट मैं अपने आप में लेकर चलूँ तो बेसिकली ये आ, है डेवलप हुआ या शुरू से पता था कि यार मुझे ना ये लुक चाहिए या नहीं, ये ओवर टाइम डेवलप हुआ एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ मेवाड़ वहाँ पे सभी लोग लगभग आप किसी से भी किसी भी एक यूथ में किसी से भी आप पूछेंगे तो वो इन लोगों को एडमायर करेगा क्योंकि है रीज़न्स है तो फिर जब आपकी बियर्ड ग्रोथ स्टार्टिंग में तो मैंने सिर्फ मूछे ही रखी थी वो भी हैंडल बार मूछे पूरा जो ऐसा कर्ल होकर होता है जो पहली बार देखते हैं बोलते ना तो ताव हाँ ताव भी बोलते हैं हाँ। हैंडल बार में और वो थोड़ी मैंने ज़्यादा लंबी रखी थी स्टार्टिंग के अंदर की भी लंबी रखी थी हाँ ये तो अभी छोटी है अभी मैं थोड़ा मिनिमल मिनिमम उसमें हूँ पूरी ऐसे वो पूरी ऐसे कर्ल होकर पूरा एक शेप बनकर आता है जिसको प्रॉपरली हैंडल बार मुस्टैच बोलते हैं स्टार्टिंग मैंने उस लुक से करी थी तो उसके बाद एक साल बाद मैंने बियर्ड रखना शुरू करी थी ऐसा मैं आपको भी इमेजिन कर रहा हूँ सडनली वो प्रॉपर बड़ी हैंडल बार मस्ट में काफ़ी काफ़ी कूल cool लगती है आई थिंक हाँ वो लगती अच्छी है बस थोड़ा उसमें मेंटेनेंस में, में हाँ, काफ़ी आपको मेहनत करनी होती है लुक आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस की दाढ़ी इज नॉट जस्ट एन एस्थेटिक वो सिर्फ दिखने के लिए अच्छा नहीं होती है आई थिंक आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मे बी कुछ लोगों के लिए इट इज़ अ मीन्स टू स्टे क्लोज टू देयर कल्चर ऑल्सो यू नो टू स्टे क्लोज टू देयर रूट्स आपसे बात करके मुझे ऐसी वो फीलिंग आ रही है कि मतलब मे बी दैट्स आल्सो व्हाई यू आर अटैच्ड टू योर बियर्ड सो मच बिल्कुल बिल्कुल प्लस अब ये जो अभी कंटेंट क्रिएशन वाला ये जो फील्ड हाँ। है इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स प्रीफर करते हैं एकदम थोड़ा क्लीन शेव गाय थोड़ा अच्छा बॉडी वॉडी टाइप का ऐसा तो इस तरह का क्रिएटर नॉर्मली ब्रांड्स प्रीफर करते हैं एंड मुझे बियर्ड रखे हुए टाइम भी हो गया है प्लस बट फिर भी ठीक है जिन ब्रांड्स के साथ मुझे काम करना होता है उनके साथ एक ऑथेंटिक एक रिलेशन है डेवलप हो जाता है ब्रांड्स के साथ एंड क्रिएटर के साथ कि ठीक है वो काम चलता है एंड कितने ही बार आ, कितने टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ कैंपेन्स आपको मिस करने होते हैं कि आपको सिर्फ ये लुक सेक्रीफाइज नहीं करना है या बी एड वगैरह बुरा लगता है उसमें आ, कभी ऐसा लगता है कि लुक्स की वजह से या बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ग्रूमिंग प्रेफरेंसिस की आई आई लूजिंग आउट ऑन समथिंग या बुरा लगता है हाँ बुरा लगता है क्योंकि जब आपके हाथ में से कोई अच्छी बड़ा चीज़ जाती है सपोज टी सी जैसी अगर चीज़ आपके हाथ से जाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको क्लीन शेव होना है तो फिर एक वो लगता है बट ठीक है फिर आप आप डिपेंड करता है कि आप किस अपने माइंड के अंदर स्ट्रेस कितने टाइम तक डालते हो गया तो गया ठीक है कोई बात नहीं आगे वो आप नेक्स्ट हाँ, करो वो मेरा ये पर्सनल नेचर है कि मैं ज़्यादा टेंशन किसी भी चीज़ को लेकर नहीं रहता But, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस सिग्नेचर बियर्ड एंड मस्टैश आपको बहुत अटेंशन भी मिलती होगी इस वजह से हाँ पर्टिकुलर ठीक है इस बियर्ड के लिए तो अगर हम सोशल मीडिया पे लें या फिर नॉर्मली मेरे से जो पर्सनली मिलते हैं वो मतलब सजेशन भी लेते हैं गाइडेंस भी लेते हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि ठीक है आपका जो भी लुक वगैरह अच्छा है हमें ऐसा करना है क्या करना चाहिए गाइड गाइडेंस हो गई तो अटेंशन मतलब अगर मैं मेरे लुक में से बियर्ड वगैरह हटाऊँ तो इतना ज़्यादा मेरे से बात करने के लिए पब्लिक के पास हाई हेलो के अलावा कुछ ज़्यादा होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है इट्स आई थिंक यू जस्ट बीइंग मॉडर्स्ट आप कितना कुछ करते हो आई मीन लोगों को बात करने के लिए तो बहुत कुछ है हम लोग यहाँ पे इतनी सारी बातें करने वाले हैं आज बट मुझे ये भी पूछना था कि ये ना जैसे बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे वो अप लाइक दिस होता है सब परफेक्ट लगते हैं लेकिन लिखते हैं वो कप लाइक तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अब जैसे यू हैव सच अ अफुल बियर्ड एंड इट लुक सो वेल ग्रूम्ड एंड वेल कैप्ट हमेशा ऐसी होती है नहीं 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 इसको ग्रूम करनी होती है उसके बाद ऐसी होती है अदरवाइज बियर्ड ऐसी चीज है कि जब तक आप प्रॉपरली ग्रूम नहीं रखोगे तो आप

अटैच हूँ लाइक ऐसा नहीं है कि मैं इतना अटैच्ड हूँ कि मैं शेव ही नहीं करूँगा mm -hmm. वो मेरे अलग रीजन है इसमें हम बाद में आएंगे बट आई डू अग्री दैट यू नो बियड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके पास भी बी होती है वो बहुत टच ही होते हैं इस बारे में करेक्ट करेक्ट यार correct. नहीं मैं बी ऐसी ही रखनी है और ऐसी रखनी है बहुत चाहे जितना भी प्रजेंट कर लेना लड़के की यार मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ ये वो पर जब दाढ़ी पर बात आती है उनको एक एक इंच पता होता है यहाँ से इतना करना है यहाँ से ये एंगल जाना है नहीं बिल्कुल जब मैं मतलब किसी नए सलो पे जाता हूँ एंड वहाँ पर कोई नया बार बार स्टाइलिश जॉब होता है तो मैं यूँ रहता हूँ कि दाढ़ी सही वापस जब भी मैं उठूंगा तो मुझे जो चाहिए वही मिलनी चाहिए मेरा ये एक <laughs> ये एक होने वाला था अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अच्छा। मैं यहीं पर आ रहा था अच्छा। कि ऐसा कभी हुआ है कि आप गए हो दाढ़ी वाड़ी कटवाने और कोई नया बंदा है ऐसे आई एम श्योर आपका कोई रेगुलर ही होगा जो करता होगा या खुद कर आप खुद करते हो नहीं देखिए ऐसा है कि जो मेरे होम टाउन के अंदर लगभग 15 इयर्स से Hmm. मैं एक ही बंदे के पास जाता हूँ wow. बहुत बड़ा सलों नहीं है नॉर्मल जो बार्बर शॉप होती है हाँ. नॉर्मल सिटीज हाँ. के अंदर हाँ. उसी तरीके की है। बंदे का सेटअप अभी भी वैसा है एकदम हाँ. नॉर्मल लुकिंग बट हाँ. मैं उसी के पास जाता हूँ क्योंकि बंदे को पता है कि मुझे क्या लुक चाहिए एंड हाँ. क्या उसको किधर क्या के चलानी सब उसको पता है मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं होती अब मैं जब भी यहाँ पर किसी सलों पर जाता हूँ बहुत सारे चेंजिंग होते हैं तो चाहे कितने ही आप बड़े स्लों पर चले जाओ या कितने उस पर चले जाओ मुझे तो पर्सनली डर डर लगता है कि ये कहीं वो नॉर्मली ऐसा भी होता है स्टाइलिश जो होते हैं वो एक थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं अच्छा ठीक है आपको ये लुक चाहिए हाँ ठीक है हम कर देंगे खटा खट खट खटना कुछ कर देते वो अपना हैं। कुछ कर देते हैं जो उनके दिमाग में हाँ। वो सुन पूरा लेते हैं प्रॉपरली हाँ। वो सुनेंगे हाँ ऐसा चाहिए बिल्कुल ऐसा मिलेगा मैंने कहा ये हाँ इनके जैसे मैंने कहा ये इनके जैसे नहीं ये मैं ही हूँ अच्छा इनके जैसे चाहिए ठीक है तो फिर वो करा कर एक बार कर दिया था मेरा पूरा चिन्ह दिख रहा है एकदम ऐसा तीखा कर दिया तो मुझे गाली गाली पर, निकाली नहीं गाली वाली नहीं निकाली मैंने मैंने कहा कि ठीक है मतलब गुस्सा तो किया था कि इसमें देखो देखो को अभी देखो, आपने चेंज वगैरह कर दिया पूरा थोड़ा बहुत हुआ था बट ठीक है मेरे को पता है मेरी ग्रोथ अच्छी है तो पांच से सात दिन के अंदर वो सब इक्वल हो जाता है पर वन टू तो टेन के स्केल में एज अ कस्टमर मान लो कि अब मैं सलो चला रहा हूँ और आप आयो मेरे पहली बार में आपको क्या लगता है कितने डिफिकल्ट कस्टमर हो अगर बंदा प्रॉपर्ली मेरी बात सुनकर अगर जो हाँ। मेरे जो डायरेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग करेगा हाँ। तो मैं काफ़ी इजी हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सा है कि एक मेरा मतलब ये जो दाढ़ी का लेंथ है फिक्स रखता हूँ ना ज्यादा करता हूँ ना छोटा करता हूँ तो मैं प्रॉपरली जब बंदे को समझाऊंगा अगर वो प्रॉपर समझ के जो मेरे अकॉर्डिंग करेगा तब तो हाँ। बहुत इजी बट अगर वो अपना दिमाग लगाएगा तो वो भी परेशान होगा मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा या मेरे साथ तो उल्टा होता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए तो मैं उन पे डिपेंड करता हूँ और वो मुझसे पूछे पर आपको चाहिए क्या, like, क्या, क्या, अच्छा अच्छा क्या? तो बताओ और फिर साइड होता है ये हाँ. मुझे ये एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे शार्प कट मार दो साइड में वो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे नेचुरल वो कर्व अच्छा लगता है पर वो एक बार किसी ने ना वो ऐसे कट मार दिया था बिल्कुल तो बहुत वैसी बियर्ड हो गई थी जो मतलब बहुत

हमारी सोसाइटी में वायल ग्रोइंग अप हमको बार बार बताया जाता है और ये हम इंटरनली बिलीव भी करने लग गए कि बियर्ड होना मतलब मैस्किलिन होना कि अगर बियर्ड नहीं है तो तुम मैस्किलिन नहीं हो और जितनी तुम्हारी लंबी बियर्ड और जितनी अच्छी बियर्ड उतने ज़्यादा मर्दाना तुम देखिए ये एक्चुअली क्या है कि आ, हम जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं या जो सोसाइटी में बातें चलती है उनसे एक हम एक इम्प्रेशन बना लेते हैं कि मर्दानगी क्या है या फिर <स्टीज़> बियर्ड जस्ट एक सिंबल है आपकी एज मैच्योर होने का आपका आपकी अगर बियर्ड वगैरह आने लगे तो सिंपल है कि अभी आप सेंसिबल हो जाओ लाइफ के लिए <स्टीज़> आपके गोल्स के ऊपर काम करो जो फालतू की चीज़ें आप करते हो वो लाइफ में सीरियस हो जाओ बेसिकली जस्ट एक सिंबल है मैच्योरिटी का अब मैस्कुलिनिटी का या फिर मर्दानगी का बियर्ड से मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कोई भी लिंक है नहीं नहीं बट को लगता है हाँ वो लगता है अब आप देखेंगे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी राइट नहीं। नहीं। उनके बियर्ड नहीं थी क्लीन नहीं। शेव थे ए पी जे अब्दुल कलाम साहब उनके क्लीन वो क्लीन शेव है तो उन्होंने कितने मतलब किस लेवल का काम किया है जिसकी वजह से आज आप और हम बैठकर ये पॉडकास्ट शूट कर पा रहे हैं

हमारे भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि पुरुषार्त्व होता है पुरुषत्व मरदान गीत तो ठीक है बाहर का वर्ड है पुरुषार्थ में क्या होता है कि आप अपनी फैमिली का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं अपनी लाइफ में आपके गोल सेट हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही है आपके देश में आपके आसपास जो भी सोसाइटी है उसमें अगर कोई गलत आपको दिख रहा है तो उसके लिए आप काम करना शुरू करें उसके लिए स्टैंड लें तो ये कुछ गुण है कुछ क्वालिटीज़ है पुरुषार्त्व की है ना ये एक्चुअल अकॉर्डिंग टू आर इंडियन कल्चर ये होता है पुरुषार्थ का मतलब अब मर्दानगी आप देखिए सपोज किसी के अच्छे डोले शोले बने हुए हैं दाढ़ी मुछे रखी हुई है उसने बुलेट वुलट बाइक पे आ रहा है जा रहा है बिना बात के किसी से लड़ रहा है अपने सपोज अगर वो मैरिड है तो अपने घर पर जो भी उसकी वाइफ है उससे मारपीट कर रहा है उसको जैसे ट्रीट करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है तो वो मर्दानगी नहीं है वो बिल्कुल बेसिकली वो मर्दानगी कलंक है हाँ पर ये लोगों को ये डिफरेंस लोगों को समझ नहीं आता करेक्ट करेक्ट करेट तो एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो यूथ के माइंड में क्लियर yeah. होना चाहिए कि का 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 या फिर बॉडी वायलेंस का, 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 बिना, बिना बात के आप देखिए जो भी ऐसे मतलब जो अपने आप को बोलेंगे कि हम मर्द हैं आप उनको बोले कि आपकी ये गलती है इसको एक्सेप्ट करो उनको एक्सेप्ट करने में है वो ऐसा होगा कि हम क्यों मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं तो man, बट एक्चुअल वही होता है कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरी गलती है सबसे मेन मतलब सबसे जो ये बहुत पावरफुल मैन की निशानी होती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है hmm. तो एक्चुअल मर्दानगी का स्केल वो है बट हम जो आजकल यूथ में देखते hmm. हैं उनका एक अलग परसेप्शन है वो अलग वे के अंदर लेकर चलते हैं चीज़ों को तो अच्छा अभी तो अभी जो आपकी दाढ़ी मूछ है अभी इसका करंट ग्रूमिंग रूटीन क्या है ये बताओ ग्रूमिंग रूटीन अभी मेरा काफ़ी सिंपल सा है शार लेते टाइम आप बियर्ड वॉश मैं यूज़ करता हूँ अलग प्रोडक्ट है बिल्कुल फेस वॉश अच्छा बियर्ड के लिए पूरा एक अलग बियर्ड uh, वॉश हो गया एंड उसके बाद में बियर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ जिससे आपकी बियर्ड थोड़ी नरिश रहती है वरना रूखी सूखी तो फिर hmm. वो अच्छा मतलब लुकिंग वाइज अच्छी नहीं लगती एंड hmm. uh, उसके बाद में कॉम मैं, मैं यूज़ करता हूँ सुबह दो तीन मिनट प्रॉपरली कॉम अगर आप कर लेते हो तो फिर वो टेक्स्चर सेट रहता है फिर आप कभी दिन को शाम को कहीं आ रहे जा रहे हो तो एक बार कॉम वगैरह कर लो बट स्टार्टिंग के अंदर मुझे काफ़ी वो प्रोडक्ट्स भी लगते थे एनर्जी भी लगती थी हर थोड़ी जब मैंने आपको बताया था जब मैं हैंडल बार मूछे रखी थी तो मुझे हर एक या दो घंटे में जाकर मैं अपनी मूछों को वॉशरूम में जाकर प्रॉपर सेट करता था एक छोटा वो रखता था, था अपने का साथ, छोटा उसके अंदर हाँ। अलग से वैक्स फिर हाँ। मूछों को स्टाइल हाँ मूछे एकदम पूरा प्रॉपर तनी हुई रहनी चाहिए प्रॉपर शेप के साथ थोड़ा भी शेप होता है सामने वाले को नहीं आपको अंदर वो होने लगे मूँछ का एक मूँछ ऐसी एक बार इधर नहीं होना चाहिए एक बाल इधर नहीं होना चाहिए तो फिर जाकर मैं वो कर रहा हूँ तो शुरू के दो तीन साल वो चीज़ रही right. थी थीछू के साथ थोड़ा टेक्निकल चीज़ रहती है एंड बी के साथ भी बी स्टार्टिंग जो फेज होता है उसमें बी काफ़ी करली होती है जो एग्जैक्ट hmm. शेप चाहिए होता है बहुत सो का जो लाइन आप बोल रहे हो कि आपकी जो लाइन अभी आपका जो बी है ना ये एकदम स्टैंडर्ड है जो सबको रखना चाहिए hmm. इसके अंदर प्रॉपर बंदा मैनेज कर सकता है अपने लुक को बट जैसे ही एड बढ़ाओगे आपकी बी एड या तो हाँ हाँ वो वो हाँ वो प्रॉपर विजिबल होगा तो थोड़ी बड़ी करने के बाद फिर आप आपकी जॉ लाइन को अभी तक की तो मैनेज कर सकते हो आपका लुक बट जब बड़ी हो जाती है तब उसका कर्ल कैसा होगा उसका वो आगे निकलेगी पीछे निकलेगी यहाँ से साइड लॉक से आपका ऐसे निकल जाती है बहुत सारी तो वो एक डेढ़ दो साल बंदे उस पर रिसर्च करते हैं जो भी बी ग्रो करता है फिर उसको जब वो उस फेस से आते हैं तब उनको प्रॉपर अपना बी उनका ये काफी टेक्निकल है ये सुनने के बाद लाइक आई आई रिस्पेक्ट पीपल विद बियर्ड्स बट ऑल्सो आई नो कि मैं शायद इससे ज़्यादा बियर्ड नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत केयर फ्री वाला लाइफ स्टाइल चाहिए कि सुबह उठो तैयार हो निकलो वैसा मैं हूँ सो आई थिंक इट्स इट्स ऑल्सो वेरी पर्सनल चॉइस कि कैसी बियर्ड रखनी चाहिए बट लोकेंद्र मुझे एक और बात बताओ कि अब जैसे आपने बोला कि आप बियर्ड वॉश यूज करते हो आप बियर्ड ऑयल यूज करते हो नाउ एक और पब्लिक परसेप्शन है कि यू नो इट्स नॉट मरदाना टू यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स या ग्रूमिंग करना या स्किन केयर करना या मेकअप करना ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर टू बी कि मतलब थोड़ा टैबू अभी भी है कि ओहो अच्छा हो तो, तो ये करता है वो करता है क्योंकि लड़कों की इमेज है ना? अरे हम तो कुछ नहीं पानी से मुंह धो के निकलते हैं mm -hmm. तो जो लड़के अपना स्किन केयर करते हैं ग्रूमिंग करते हैं दाढ़ी का ध्यान रखते हैं यू थिंक दैट मेक्स यू एनी लेस ऑफ अ मैन देखिए आप अपनी हर चीज़ का प्रॉपरली जैसे मैं मेरे शूज का काफ़ी ज्यादा ध्यान रखता हूँ mm. मैं मेरे आ, बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारी चीज़ें होती बंदा उनके लिए वो होता है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर होता है कि हमको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है ऐसे बहुत सारी चीज़ें सबकी अपनी कोई अपनी गाड़ी का ज्यादा ध्यान रखते हैं।, हैं।, हैं बाइकर्स लोग के बाइक पे अगर एक हल्का सा स्क्रैच आ जाए तो वो तुरंत जाएंगे उनका चाहे एक मीटिंग कैंसिल हो कुछ भी हो वो अपना जाकर स्क्रैच रिपेयर कराएंगे सबका अपना अपना होता है तो ये जो ग्रूमिंग पार्ट होगा ये आपकी अपीरियंस में सबसे मेन फैक्टर है कि आप अगर बंदा ग्रूम होगा उसकी अपीरियंस उसका पूरा प्रजेंट प्रजेंटेशन होता है वो प्रॉपर अच्छा दिखाई देता है इम्प्रेशन हाँ, बनता है पर वही तो बात है ना तो लोग उस सोचते हैं कि अगर बंदा हाँ, काम कर रहा है मैं आपको मैं कट हाँ, कर रहा हूँ इसलिए हाँ, उसके ऊपर अगर बंदा काम कर रहा है अगर वो किसी भी वे में हो सकता है अब वो चाहे बियर्ड को प्रॉपर रख रहा हो चाहे वो मेकअप कर रहा हो चाहे वो अपने आप को हेयर स्टाइल कर रहा हो किसी भी वे में कर रहा हो वो अपने आपको अच्छा दिखाना चाह रहा है वो अपने आप को ख़राब नहीं कर रहा है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये किसी भी वे के अंदर गलत है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई इस पर आपको क्वेश्चन करे कि ऐसा नहीं करना चाहिए लड़के ऐसे नहीं कर सकते लड़के ऐसा नहीं कर सकते एक्जैक्ट exactly. आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट करने के लिए काम कर रहे हो तो ये तो हंड्रेड परसेंट ओके नॉर्मल है आई थिंक आपने तो बोल ही दिया है मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इसके बाद आई थिंक यू ड्रिवन द पॉइंट होम तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ करते हैं यार बिल्कुल कुछ करते हैं हाँ ठीक है तो मैं भी आपको एक सिचुएशन दूंगा ओके और आपको वो आंसर करना है नाउ सिचुएशन इज़ कि मानो यूर ऑल्सो इन टू फिटनेस राइट करेक्ट फिटनेस मतलब योगा वगैरह में ज्यादा कर फिटनेस हाँ. मतलब जिम वगैरह वाला वर्कआउट प्लस योगा वाला वर्कआउट तो अगर आप रेशो देखेंगे तो योगा वाला वर्कआउट थोड़ा मेरा ज्यादा है तो इफ़ यू है अगर आप कुछ न, एक चीज गिव अप करनी है तो क्या होगी वो बियड को मैं कर सकता हूँ

ओके ग्रेट सो दैट विद दैट ऑलमोस्ट इंचिंग द एंड ऑफ दिस एपिसोड अब लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ये आप जो मॉडर्न जेंटलमैन जिसकी हम बात करते हैं उसको अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो कौन सा शब्द होगा एक वर्ड में एक वर्ड में अच्छा तो uh, मेरे ओपिनियन में आई थिंक सीकर एक मैं वर्ड सोच सकता हूँ जो कि uh, मेरे ओपिनियन में uh, एक मॉडर्न जेंटलमैन को डिफाइन करता है कि जो सक्सेस को सीख करें या फिर जो आसपास जो भी चीज़ें चल रही है उनको ठीक करें जो ग्रोथ सीख करें एंड बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हम लोग चाहते हैं एंड उसी के लिए हमें काम करना चाहिए तो आई थिंक सीकर वुड बी द राइट वर्ड आई थिंक दैट्स दैट्स क्वाइट दैट्स दैट्स अ ब्यूटिफुल थॉट आईटली अग्री दैट नॉलेज ऐसी चीज है कि आपकी कोई आ, एज नहीं होती है उसको ग्रो कोई भी आपका टाइप नहीं होता है आप नॉलेज पूरे लाइफ में आप ले सकते हो तो आपको हुँ. हमेशा एक सीकर के फॉर्म के अंदर अगर आप जब अपने आप को डालते हो तो आप लाइफ में हर पॉइंट पे ग्रो करते हो जैसे इस टाइम भी आपसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ हो सकता है कुछ पॉइंट आप मेरे से भी सीख रहे ऐसा लगता है कि मैं नहीं सुन रहा हूँ

And we'll see you in the next episode. No, we'll not see you. You'll listen to us in the next episode.